हम सबको पता है दोस्तों कि रूबीना दिलैक का एक हैशटैग नेशन लव्स रूबीना सोशल मीडिया पे हड़कंप मचाए हुए है। लास्ट जो मैंने आपको अपडेट बताया था दोस्तों वो 3.9 पहुंच गया है, अब 3.7 मैंने आपको बताया था, अब वो 3.9 पहुंच गया और ये जो है धड़ल्ले से आगे बढ़ रहा है। अब इस वीडियो में मैं आपको पोटेंशियल रीच बताना चाहता हूं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में, बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। एंड हाँ, फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मैं मौजूद हूं, आप फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों पोटेंशियल रीच की, पोटेंशियल रीच ऑफ ट्रेंड जो है यानी कि नेशन लव्स रूबीना, इट्स इन बिलियंस, नॉट इन मिलियंस बल्कि इन बिलियंस। हम सब जानते हैं दोस्तों कि रूबीना के फैंस जो हैं वो सोशल मीडिया पे अब मतलब एकदम से जंगल की आग की तरह फैल गए हैं, चारों तरफ फैल गए हैं। न सिर्फ इंडिया हमारा हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनफैक्ट ये यहां से भी अपन को कनाडा से भी होता है दोस्तों सपोर्ट इनको, ये नाइजीरिया और इधर की जो कंट्रीज हैं अफ्रीका की वहां से भी सपोर्ट आता है, यूके से भी सपोर्ट आता है। तो रूबीना चारों तरफ छाई हुई है और पोटेंशियल रीच की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इट्स 1.1 बिलियन। जी हाँ, जो ये मतलब पहली बार हो रहा है इस सीजन में कि बिलियन तक रीच पहुंच गई है और ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों तो फटाफट उसमें और कमेंट कीजिए ताकि लोग जो हैं उससे और जुड़े, क्योंकि जिस तरीके से यू नो चीजें फैल रही हैं वो लाजवाब है। नेशन लव्स रूबीना चारों तरफ फैला हुआ है और इसी आग में जो है अब कहीं ना कहीं जो हेटर्स हैं उनकी चटनी निकलने वाली है, क्योंकि हेटर्स तो लिटरली जल भुन गए हैं, जल कुकड़े हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से रूबीना को सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरीके से रूबीना आगे बढ़ रही है वो लाजवाब है। मैं तो यही कहूंगा कि आपको क्या है कहना, और प्लस हमारे हिंदुस्तान की जनता इतना पसंद कर रही है रूबीना को, तो आगे देखते हैं क्या होता है। बिग बॉस के घर में भी अभी थोड़ा बहुत सपोर्ट भी आया है रूबीना के पास पे, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आपको क्या है कहना इस बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज, क्योंकि बिग बॉस बोले तो सिर्फ और सिर्फ फीफा फूज।